हाय मेरी लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ माय टॉप 5 फेवरेट सनस्क्रीन, जो कि ऑयली प्लस एक्ने प्रॉन स्किन के लिए काफी अच्छा काम करेंगे। सो मेरा जो स्किन का टाइप है वो भी ऑयली प्लस एक्ने प्रॉन है, और लास्ट 1.5-2 सालों में मैंने बहुत सारे सनस्क्रीन यूज किए हैं। उनमें से जो मुझे बेस्ट लगे हैं, जिसने कि मेरे सीबम प्रोडक्शन को कम किया है, ऑयल को कंट्रोल किया है मेरे फेस पे, इनफैक्ट जब मुझे दाने निकलते हैं, एक्टिव एक्ने होते हैं, तब भी कोई किसी भी तरह का रिएक्शन किया या तब भी मेरी स्किन को अच्छे से हैंडल किया है, वही सनस्क्रीन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो किसी भी तरह का कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि हम किसी ब्रांड को यहां पे प्रमोट कर रहे हैं या मुझे किसी ब्रांड ने प्रोडक्ट्स भेजे हैं। ये सारे सनस्क्रीन मैंने खुद ने बाय किए हैं, खुद ने यूज किए हैं और मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। सो या मेक श्योर कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, तो लाइक जरूर से कीजिएगा। एंड मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, इट मींस अ लॉट टू मी गाइस। सो या विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक मिथ क्लियर कर लेते हैं। काफी लोग सोचते हैं कि सनस्क्रीन लगाना लग्जूरियस थिंग है, मतलब हमें क्या जरूरत है सनस्क्रीन लगाने की, हम तो धूप में ही नहीं जाते हैं, हम तो घर पे रहते हैं, हमें स्किन तो कभी टैन होती ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, सन की जो रेज होती है वो इतनी ज्यादा हार्म होती है, अगर आप घर में भी रहते हो ना फिर भी वो आपकी स्किन पे इम्पैक्ट डालती है। सो मेक श्योर कि जब भी आप घर पे रहो तो SPF 30 वाला सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हो। अगर आप आउटडोर जा रहे हो, बाहर जा रहे हो कहीं पे, तो मेक श्योर कि आप 20-30 मिनट्स बिफोर अपनी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट करो। यस, सनस्क्रीन लगाना लग्जूरियस थिंग नहीं है। सन की रेज हमारी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करती है। सन की 3 तरह की रेज होती है, UVA, UVB एंड UVC। UVC जो रेज होती है वो हम तक नहीं पहुंचती है, वो एटमॉस्फेयर के साथ ही गायब हो जाती है। बट जो UVB होती है वो हमारी स्किन के मेलानिन को बढ़ाती है। दैट मींस कि जो पिगमेंटेशन, जो सन टैनिंग वगैरह होती है, हाइपर पिगमेंटेशन होती है, वो UVB रेज के कारण होती है। एंड UVA रेज जो होती है वो हमारी स्किन के अंदर डीप लेयर तक जाके पेनिट्रेट करती है, और उसके बाद में जो हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनको डैमेज कर देती है, जिसके कारण कि हमारी स्किन मिसबिहेव करती है, स्किन कैंसर तक भी हो सकता है अगर हमने स्किन को अच्छे से सन की रेज से प्रोटेक्ट नहीं किया। सो ये हो गई हमारी कुछ ज्ञान की बातें। सो प्लीज मेक श्योर कि सनस्क्रीन आप जरूर 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 यूज करो। आप चाहो तो अपने स्किन केयर रूटीन में से टोनर को स्किप कर सकते हो या सेरम लगाना स्किप कर सकते हो, बट मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन दो चीज ऐसी है कि आपको डेली 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 यूज करिए। फटाफट से 1 by 1 मेरे फेवरेट सनस्क्रीन के बारे में बात कर लेते हैं। सो जो फर्स्ट सनस्क्रीन है जो काफी मुझे अच्छा लगा है, लास्ट आई थिंक मैं 2-3 महीने से यही सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ, दैट वन इज डर्माकोका 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फॉर्मूला है, SPF 50 के साथ ही आता है। सो ऑलमोस्ट जितने भी सनस्क्रीन है SPF 50 वाले हैं, PA++ वाले हैं, एक सनस्क्रीन है जो SPF 30 है, क्योंकि जब मुझे कहीं बाहर जाना नहीं होता, घर में रहती हूँ, तब मैं वो यूज करती हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो यस, ये हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन ई के साथ आता है, फ्रेग्रेंस फ्रीज का फॉर्मूला है, एंड यू कैन सी द कंसिस्टेंसी, मतलब सबको मैं अच्छे से आपको बताऊंगी कंसिस्टेंसी। सो काफी जेल टाइप की इसकी कंसिस्टेंसी है, इजिली स्किन के अंदर सॉक इन हो जाता है, एंड बहुत प्यारा सा ड्यूई ग्लोई लुक आपको प्रोवाइड करता है। सो इसका फॉर्मूला बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, बिल्कुल भी ग्रीजीनेस नहीं लगेगी आपके फेस पे इसको लगाने के बाद। एंड यस, बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह मेल्ट होता है स्किन पे। सो हैवीनेस नहीं है, व्हाइट कास्ट नहीं है। सो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फॉर्मूला है, दैट मींस कि UVA एंड UVB दोनों रेज से आपको प्रोटेक्ट करेगा। एंड यस, इसकी सबसे अच्छी बात है कि पैराबेन सल्फेट फ्री है, डाई फ्री है एंड मिनरल ऑयल फ्री है। तो काफी, मतलब इतना इसका फॉर्मूला माइल्ड है कि एक्ने प्रोन स्किन वाले तो डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं। सो यस, दिस वन इज बेस्ट सनस्क्रीन, काफी अच्छा है। अभी तक नहीं यूज किया है, ऑयली प्लस एक्ने प्रोन स्किन है, तो एक बार जरूर से इसको ट्राई आउट कीजिए। सनस्क्रीन है गाइज, वो है ब्रांड डॉक्टर शेड से, एंड ये है सेरामाइड एंड वाइटामिन सी सनस्क्रीन। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि ये एज अ सेरम भी आपकी स्किन पे काम करेगा, एज अ मॉइस्चराइजर भी करेगा, और सनस्क्रीन की जैसे तो आप इसको यूज कर ही सकते हो। ये भी SPF 50 के साथ है, PA++ ही इसका फॉर्मूला है, दैट मींस कि UVA एंड UVB दोनों रेज से प्रोटेक्ट करेगा। लुक एट दिस कंसिस्टेंसी गाइस, मतलब ये भी ना एकदम मक्खन की तरह मेल्ट होता है, और आप देख सकते हो बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं है, बिल्कुल भी ऑयली या ग्रीजीनेस आपको मेरे हैंड पे नहीं नजर आ रही होगी। इतना प्यारा इसका फॉर्मूला है, इनफैक्ट ना आप जब भी इसको यूज करोगे ना, आपको अलग से मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर सेरामाइड्स है, तो सेरामाइड्स आपकी स्किन को रिपेयर करते हैं, एज ए मतलब स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करते हैं। एंड बाकी इसके अंदर 2% विटामिन सी है, हाइलुरोनिक एसिड है, इनफैक्ट इसके अंदर मिनरल प्लस ऑर्गेनिक फिल्टर दोनों तरह के फिल्टर है। जब भी दोनों फिल्टर एक साथ होते हैं तो आपकी स्किन को ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं सन की रेज से, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। सो आप ऐसे पर्सन हो जिनको अलग से मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है, अलग से सेरम नहीं लगाना है, तो जस्ट आप अपनी स्किन को टोनअप कीजिए, टोनर लगाइए अगर आप चाहते हो तो, अगर नहीं वो भी स्किप करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली इसको एज अ मॉइस्चराइजर, एज अ सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। यस, ये
एंटी पोल्यूशन एंड एंटी विजिबल लाइट सनस्क्रीन है. तो अगर आप डेली आउटिंग पे जाते हो, मतलब बाहर निकलते ही हो घर से ऑफिस के लिए कॉलेज के लिए, सो मेक श्योर कि आप ये जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा. मॉइस्चराइजर वगैरह स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आप ये सनस्क्रीन लगा सकते हो. एंड फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था, बिल्कुल भी ऑयली ग्रीजी नहीं. नेक्स्ट सनस्क्रीन गाइस, दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड एक्वालॉजिका. इसके बारे में आई थिंक आपने सबने सुना होगा, ये इतना पॉपुलर सनस्क्रीन है. ये ग्लो प्लस ड्यूई सनस्क्रीन है एंड इसके अंदर भी एसपीएफ 50 है. ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम फॉर्मूला है, यूवीए यूवीबी दोनों रेज से प्रोटेक्ट करेगा. पीए ट्रिपल प्लस इसकी रेटिंग है. एंड इसका जो कंसिस्टेंसी है ना गाइज, ये कुछ इस तरह की है. लुक एट दिस, मतलब ये भी काफी लाइट कंसिस्टेंसी है. और आजकल जो सनस्क्रीन आ रहे हैं ना, मतलब वो बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट वगैरह नहीं छोड़ते हैं. बस फील इतना ही है कि ये बहुत जल्दी से सॉकिन होता है, बिल्कुल भी ऑयली या ग्रीजीनेस नहीं देता है फेस पे. लुक एट दिस, मतलब मक्खन की तरह मेल्ट हो गया है मेरे हाथ पे. यस, इसके अंदर भी सल्फेट नहीं है, पैराबेन डाई मिनरल ऑयल कुछ भी नहीं है. एंड ये वीगन प्रोडक्ट है, सो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, कुछ भी आप लगाते हो जल्दी से रिएक्ट कर जाता है, सो डेफिनेटली आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो. इसका फॉर्मूला भी काफी अच्छा है. एंड यस, इसकी जो एमआरपी है आई थिंक ये 399 समथिंग कुछ है, तो आपको ये और भी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगी. सो बजट फ्रेंडली भी है और काफी अच्छा सनस्क्रीन है ये वाला. नेक्स्ट सनस्क्रीन है गाइज, वो है ब्रांड ला शील्ड से. इसके बारे में भी आपने काफी सुना होगा. मेरे पास जो है ये एसपीएफ 40 वाला है, बट इसके अंदर आपको एसपीएफ 50 भी मिल जाएगा. बट ये ट्रिपल प्लस फॉर्मूला है, इनफैक्ट ये यूवी एंड यूवीबी दोनों रेज से ही प्रोटेक्ट करेगा. सो ये भी ऑयल फ्री है. एंड इसका जो टेक्सचर है ना, थोड़ा सा सिलिकन टाइप का है. मतलब जैसे हम प्राइमर लगाते हैं ना, जो कि आपकी स्किन को एकदम स्मूद आउट बनाता है और पोर्स को फिल आउट करता है, वैसा ही है. लुक एट दिस, मतलब एकदम ऐसा लगेगा जब भी आप इसको लगाओगे ना, कि आपने कोई प्राइमर लगाया और आपकी स्किन का टेक्सचर एकदम स्मूथ सा लगेगा. सो यू कैन सी, मतलब इसने भी किसी भी तरह की कोई व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ी है, ऑयली नहीं लग रहा है मेरा हाथ. आप देख सकते हो मैंने अभी तक 3 से 4 सनस्क्रीन लगा लिए हैं अपने हाथ पे, बट बिल्कुल भी मेरा हाथ ऑयली या ग्रीजी नहीं लग रहा है. सो यस, इसका फॉर्मूला काफी अच्छा है. अगर आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, या फिर आप नॉर्थ साइड में हो जहाँ एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, तब आप वहां पे ऐसे सनस्क्रीन लगाइए जो सिलिकन टेक्सचर वाले हो, नॉन कोमेडोजेनिक हो, जो आपके पोर्स को फिल आउट करे. ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वालों को हमेशा नॉन कोमेडोजेनिक ही सनस्क्रीन यूज करने चाहिए, ताकि वे आपके पोर्स के अंदर ना जाए. पोर्स के अंदर नहीं जाएंगे, पोर्स क्लियर रहेंगे, तो एक्ने होने के चांसेस काफी ज्यादा कम रहेंगे. सो इसका फॉर्मूला अच्छा है. अगर आप चाहो तो एसपीएफ 50 भी ले सकते हो. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 3 से 4 घंटे के लिए बाहर कहीं जा रहे हो ना, तो एसपीएफ 40 भी सफिशियंट है. मतलब आप चाहो तो रीअप्लाई कर लो, बाकी 3-4 घंटे के लिए चल जाता है एसपीएफ 40 भी. तो ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स का मेरे चैनल पे आपको डेडिकेट वीडियो भी मिल जाएगा इनका, सो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो. डिटेल में मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स एंड सब कुछ बताया है उन वीडियोज में. एंड जो नेक्स्ट सनस्क्रीन है गाइज, दैट वन इज वन ऑफ माई फेवरेट सनस्क्रीन. इसके बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है. एंड दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड फेस गार्ड. एंड ये एसपीएफ 30 वाला वेरियंट मेरे पास है, बट इसके अंदर भी आपको एसपीएफ 50 वाला मिल जाएगा. बट मैं डेली घर में इसी को अप्लाई करती हूँ, इसीलिए मैं इसमें एसपीएफ 30 ही यूज कर रही हूँ. क्योंकि अगर आप घर में रह रहे हो तो सफिशियंट है, एसपीएफ 30 भी आप यूज कर सकते हो. इसका टेक्सचर आप देख लो पहले, मतलब एकदम मक्खन है. मतलब ऐसा लगता है कि आप बटर को मेल्ट कर रहे हो अपने हाथों पे. सो ये भी सिलिकन टेक्सचर में आपको मिलेगा, नॉन कोमेडोजेनिक है, ये भी पोर्स के अंदर नहीं जाएगा. एंड लुक एट दिस, मतलब लगाने के बाद लगता भी नहीं है कि आपने कुछ लगाया है, इतना लाइट इसका फॉर्मूला है. सो ट्रस्ट मी, मतलब अगर आप थक चुके हो, सारे सनस्क्रीन आपने यूज कर लिए, इनफैक्ट आप जो ये जेल टेक्सचर वाले सनस्क्रीन है ये भी आप लगाते हो, तो भी आपकी स्किन आपको ऐसे थोड़े टाइम के बाद ऑयली या ग्रीजी लगती है, तो फिर आप डेफिनेटली इसको ट्राई आउट कर सकते हो. एक बार इसको बाय कीजिएगा, आप मतलब फैन हो जाओगे इस प्रोडक्ट के. मतलब मैंने इसकी आई थिंक 4 से 5 ट्यूब खत्म कर दी है. मैं पुणे रहती हूँ, पुणे में भी मैं इसको यूज़ करती हूँ. इनफैक्ट मैं राजस्थान जाती हूँ, वहाँ की गर्मी में भी मैं इसी सनस्क्रीन को यूज़ करती हूँ, तब भी मुझे बिल्कुल भी ऑयली या ग्रीजीनेस अपने फेस पे नहीं लगती है. एंड यस, ये थे कुछ 5 सनस्क्रीन जो लिटरली मुझे काफ़ी अच्छे लगे. एक सनस्क्रीन मैं आपको और रिकमेंड करना चाहूँगी, वो है डर्माकोका 1% हाइलोनरिक टिंटेड सनस्क्रीन जेल. यस, इसके अंदर हाइलोनरिक एसिड है, ये भी एसपीएफ 50 है. बट कई बार ऐसा होता है ना कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, कोई फंक्शन अटेंड करना है, या बिल्कुल मेकअप नहीं करना है, एकदम लाइट कवरेज आपको चाहिए, तब फिर आप ये वाला सनस्क्रीन ट्राई आउट कर सकते हो. इसमें मतलब आपको मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हाइलोनरिक एसिड है. सनस्क्रीन तो ये है ही है, इनफैक्ट ये हल्का सा टिंट देता है आपकी स्किन पे. तो जस्ट नॉर्मल आप ये लगा लो, एंड उसके बाद आप नॉर्मल कॉम्पैक्ट पाउडर से टचअप कर लो, एंड यू आर रेडी टू गो. मतलब
अलग से आपको मेकअप करने की भी जरूरत नहीं है, इतना प्यारा इसका फॉर्मूला मुझे लगा। सो ये जब भी मुझे बेटे की स्कूल जाना है, पीटीएम अटेंड करना है, या कोई डे फंक्शन के लिए जा रहा है, कहीं विजिट के लिए जाना है दिन में किसी से मिलने के लिए, तब मैं डेफिनेटली इसको यूज करती हूँ। बिल्कुल भी मैं तब फाउंडेशन या कोई भी बेबी क्रीम सीसी क्रीम यूज नहीं करती हूँ, जस्ट नॉर्मली सनस्क्रीन लगाओ। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा टेक्सचर देती है, टिंट देती है, और काफी अच्छा फील होता है इसको लगाने के बाद। सो ये भी डेफिनेटली आप ट्राई आउट कर सकते हो, इस पे भी मेरा वीडियो है मेरे चैनल पे। यस, इन सब पे जो भी डेडिकेटेड वीडियो है मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सबका, इनफैक्ट इनके सारे परचेज लिंक भी दे दूंगी जहां से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सो यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाके जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। सो यस गाइस, दैट्स ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी किसी भी तरह का कोई डाउट है, सवाल जवाब है, शंका है मन में कि यूज करें कि ना करें किसी भी प्रोडक्ट को लेके, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगी। सो या गाइस, मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।